हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, हम जैसा कि आपको पता है कि हम सीख रहे हैं टाइपिंग। तो पहले वाली वीडियो में मैंने आपको होम रो और अपर रो के कीज़ बताए थे टाइप करने का, हम कैसे इनको टाइप करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बॉटम रो के कुछ कीज़ टाइप करेंगे। आपको ये बताऊँगा कि कौन सी वाली मुझे के साथ आपने कौन सा वाला कीज़ टाइप कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी उंगलियों को अच्छे से रखेंगे। तो अच्छे से अपनी उंगलियों को रखने के बाद तो हमने ये वाली उंगली ए पे रखनी है, ये वाली एस पे रखनी है, ये वाली डी पे और ये वाली एफ़ पे, और जी और एच को खाली छोड़ देना है, और जे पे ये वाली उंगली रखनी है, के पे ये वाली और एल पे ये वाली और ये सेमी कॉलन पे ये वाली। ये उंगलियाँ अच्छे से रखने के बाद आपने ये जेड को दबाना है। ये जेड है, ये एक्स है, ये सी है, ये वी है, ये बी है, ये एन है, ये एम है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जेड को दबाने के लिए हमने ये वाली जो लिटिल फिंगर है इसको हमने नीचे कर रहे हैं, ये इससे हम ये जेड दबाएंगे। फिर एक्स दबाने के लिए हमने ये वाली उंगली को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स के लिए ये वाली उंगली हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाली, और सी को दबाने के लिए ये वाली उंगली इस्तेमाल करेंगे, और वी को दबाने के लिए ये वाली उंगली इस्तेमाल करेंगे, ये वाली, इसको ऐसे, और बी को बीस को प्रेस करने के लिए हमने ये वाली उंगली इस्तेमाल करनी है। और ये हो गया ओके। और नेक्स्ट एन को दबाने के लिए हमने ये वाली उंगली इस्तेमाल करनी है, ये वाली एन ये हो गया। एम को दबाने के लिए भी इसी उंगली का इस्तेमाल करना है, इसको ऐसे नीचे करेंगे, एम को दबाएंगे। तो दोस्तों, और बाकी ये अगर ये शिफ्ट को दबाना है, हमने इस उंगली के साथ शिफ्ट को दबाना है, और कैप्स लॉक ये भी इस उंगली के साथ, और टैब बटन भी इस उंगली के साथ, और बैक स्पेस हमने इस उंगली के साथ दबाना है, ये वाली उंगली है, इसके साथ हमने बैक स्पेस को दबाना है, और हमने इंटर बटन को इस उंगली के साथ, लिटिल फिंगर के साथ, राइट लिटिल फिंगर इसके साथ हमने दबाना है। तो दोस्तों, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अपनी उंगली को अच्छे से रखना है पहले, और उसके बाद एक जेड जेड को दबाना है हमने इस लिटिल फिंगर के साथ, फिर एक्स को दबाना है इस उंगली के साथ, फिर हमने सी को दबाना है इस उंगली के साथ, फिर वी को दबाना है इस उंगली के साथ। तो दोस्तों, वी को इस उंगली के साथ दबाएंगे, और हमने बी को दबाना है। अब बी को प्रेस करने के लिए इस उंगली के इस्तेमाल करेंगे, ये वाली, और फिर हमने एन को प्रेस करना है इस उंगली के साथ, ये हमने एन इसके उंगली के साथ प्रेस करेंगे, फिर हम एम को प्रेस करेंगे इस उंगली के साथ, फिर ये कॉमा हो गया, इस उंगली के साथ प्रेस करेंगे इसको, कॉमे को इस वाली उंगली के साथ, और हमने ये फुल स्टॉप है इसको हमने इस उंगली के साथ प्रेस करा है, इस उंगली के साथ, ठीक हो गया। और बाकी आपको ये पता है, ये अपर रो है, ये लोअर रो है, बॉटम रो है, और ये क्या कहते हैं इसको, नंबर रो है, ये नंबर रो है, ये कैप्स लॉक है, ये टैब बटन है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरह जैसे मैंने आपको बताई है, तो इंशाल्लाह आपकी टाइपिंग स्पीड मज़ीद बेहतर होगी। अल्लाह हाफिज़।